नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बलिया में यूपी विधानसभा चुनाव, महाशिवरात्रि और होली के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। करीब दो महीने तक धारा 144 लागू रहेगी। प्रत्याशी राजनीतिक दल आदर्श चुनाव आचार संहिता की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे। बिना अनुमति की रैलियां, जनसभाएं, नुक्कड़ और जुलूस को नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक रैली और जनसभा नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत वितरित होने वाले प्रति यूनिट 5 किलोग्राम गेहूं और राशन का वितरण निःशुल्क किया जाएगा। जिन कार्ड धारकों का वोटाई पास मशीन पर आधारित प्रमाणित है, अगर असफल हो तो उन्हें मोबाइल OTP के माध्यम से जो राशन है वो दिया जाएगा। तो राशन का काम जारी रहेगा, लेकिन जो रैलियाँ हैं, सभाएँ हैं और जो त्यौहार हैं उसके मद्देनज़र धारा 144 यहाँ पर लागू कर दी गई है। बदायूं में खेत में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि शव होने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची है, शव की शिनाख्त की जा रही है और इसी आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि हत्या कर शव यहाँ पर फेंका गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। पूरा मामला फैजगंज पेटा थाना क्षेत्र के ग्राम बझेड़ा का बताया जा रहा है। जनपद बदायूं के थाना फैजगंज बेहता के अंतर्गत बझेड़ा गांव में आज एक सरसों के खेत में एक लगभग 22 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति के डेड बॉडी के मिलने की सूचना मिली, जिस पर मौके पे फैजगंज बेहटा की पुलिस पहुंची और बाद में उस मृतक की शिनाख्त मनबीर पुत्र शर्फीलाल ओरछी, इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले ओरछी गांव के निवासी के रूप में हुई। इनकी बझेड़ा में एक दुकान है जिस पे ये प्रातः 10 बजे गए थे। बरेली जोन के DG राजकुमार बिजनौर पहुंचे। बिजनौर पहुंचकर आज उन्होंने दूसरे चरण के होने वाले नामांकन स्थल का निरीक्षण किया। EDG ने जनपद पुलिस के कार्यों की समीक्षा की। चुनाव आयोग के नियमों, कोविड नियमों का पालन कराना, जिले के सभी थाना प्रभारियों सहित CEO और SP को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने SP से अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के भी यहाँ पर बड़े निर्देश देते हुए नजर आए। ये बिजनौर का मैं आगमन किया था और यहाँ पर चुनाव को लेकर के जो भी तैयारियाँ हैं उसकी समीक्षा की गई। कल सभी थानाध्यक्ष लेवल से वार्ता की गई। यहाँ पर चुनाव की तैयारियाँ को काफ़ी अच्छा स्तर काम पर आप बता सकते हैं। निगरात्मक कार्रवाई काफ़ी संख्या में हुई है और जो गाँव का भ्रमण, सभी थानाध्यक्षों ने प्रत्येक मतदान केंद्र का भ्रमण कर लिया है और जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं और जो वल्नरेबल एरियाज हैं उनका चिन्हांकन भी किया जा चुका है और ऐसे लोग जो मतदान के समय गड़बड़ी कर सकते हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध प्रभावी निर्देशात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। फरुखाबाद में आचार संहिता के उल्लंघन में पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। मृतपुर विधायक की टिकट पक्की होने पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता आतिशबाजी चुराकर मिठाइयां बांटते हुए नजर आए थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने पहुंचे। सूचना पर विधायक अमृतपुर ने थाने में जाकर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। पुलिस ने कई घंटों तक थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं को बिछा रखा। ये पूरा मामला नवाबगंज क्षेत्र के कस्बे का बताया जा रहा है। फरुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली के पुलिस के हाथ पैर फूल गए जब 151 में की गई कार्रवाई पुलिस पर आरोपियों को बचाने और झूठे मामले में भाई की गिरफ्तारी का पीड़िता ने आरोप लगा दिया। 1 साल पहले महिला और उसकी भाभी के साथ 6 लोगों ने गैंगरेप किया था, ऐसा आरोप उसने लगाया है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पीड़िता के भाई को गिरफ्तार कर लेने पर कोतवाली पहुंचकर उसने आत्मदाह करने के उद्देश्य से पुलिस के सामने तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया और 151 में कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार कोतवाली फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र कर्नलगंज चौकी के रहने वाली पीड़िता ने 15 जनवरी 2021 को एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने दिखाया था
कि उसके साथ उसकी भाभी के साथ संदीप तिवारी सिंटू उर्फ संदीप, मिंटू उर्फ अर्जुन से जितेंद्र और जितेंद्र के साथ कठेरिया नामक अज्ञात व्यक्ति ने दोनों का दुष्कर्म किया। विरोध करने पर परिवार को फर्जी मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी तक दी थी। और अब खबर गोंडा से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और जनपद पुलिस लगातार सक्रिय है। पुलिस और प्रशासनिक टीम अवैध शस्त्र शराब अपराधियों पर नकेल कसने में जुटी हुई है और अवैध तरीके से अर्जित धन को भी जब्त करने में जुटी है। इसी क्रम में आज शाम गोंडा और लखनऊ की सीमा पर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग चल रही थी। किसी दौरान डीएम मार्कंडेय शाही और एसपी संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार जांच पड़ताल में लगी हुई थी। चेकिंग के दौरान लखनऊ जनपद के पंजीकृत वाहन से 65 लाख रुपये बरामद किए गए हैं, वहीं दूसरी कार से 2 लाख रुपये पुलिस ने बरामद किए। तो गोंडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव के मद्देनज़र पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नज़र आ रहा है। गोंडा में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। यहां पर एक गाड़ी से करीब 67 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, वहीं 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गोंडा में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत बैरियर चेकिंग 3 से 7 की स्पेशल करवाई जा रही थी। इसी के तहत थाना कर्नलगंज में जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पड़ता है लखनऊ रोड पे, वहां पे इंस्पेक्टर कर्नलगंज की टीम के द्वारा एक गाड़ी यूपी 32 नंबर की वो पकड़ी गई। इसकी चेकिंग में 65 लाख रुपए इंस्पेक्टर कर्नलगंज और टीम के द्वारा बरामद किए गए हैं। इसमें 2 व्यक्ति उनको राउंडअप किया गया है। ये पैसा लेके नेपाल बॉर्डर के आसपास जा रहे थे। किस पर्पज से और क्यों नेपाल बॉर्डर पे ये पैसा पहुंचा रहे थे, ये अनअकाउंटेड है। फिलहाल ये 65 लाख रुपए सीज करके इस पे कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। इसमें नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और इसमें अन्य जो अपराध बनेंगे उसमें भी कार्रवाई कराई जाएगी। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्शना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस एकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department, and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for the venture Vedanta. And I just good afternoon everyone. My name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579. At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The Dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job.
अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डट कर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। जौनपुर के बदलापुर से बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप उन पर लग रहा है। सफाई गाड़ी के चारों तरफ पोस्टर फोटो लगवाकर उन्होंने प्रचार वाहन बनाया था, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिना अनुमति के आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए प्रचार करने का उन पर आरोप है, जिसके बाद बदलापुर के प्रभारी निरीक्षक संजय वर्मा की तहरीर पर बदलापुर थाने में उन पर केस दर्ज हुआ। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को यूपी विधानसभा चुनाव में 33 प्रत्याशियों की 3 लिस्ट भी जारी कर दी है। यूपी प्रभारी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष शोभाजीत सिंह के साथ लखनऊ के गोमती नगर स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर प्रत्याशियों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट में योग्य उम्मीदवारों को स्थान दिया गया है जिन्होंने समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी तीसरी लिस्ट में एक पूर्व IAS और डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट 13 ग्रेजुएट उम्मीदवार हैं। प्रत्याशियों में 8 सामान्य वर्ग, 4 मुस्लिम समुदाय, 11 OBC और 10 SC वर्ग के उम्मीदवारों को स्थान दिया गया है। यूपी का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है। समय कम है तो ऐसे में धुआंधार तैयारी भी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान सामने आया, सुनिए। राज्य के अंदर गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार जन जन सर्वव्यापी के रूप में फैला था। योगी सरकार आने के बाद राज्य के अंदर गुंडागर्दी समाप्त हुआ, जो खुलेआम बेटियों को उठा ले जाते थे, स्कूटी छोड़ा लेते थे और कोई पुरस्कार नहीं रहता था। दरोगा यदि रिपोर्ट दर्ज कर लिया पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो शाम तक छूट जाता था, लखनऊ से फोन जाता था। आज मैं कह सकता मित्रों, आदरणीय योगी सरकार में 12 बजे रात में भी बेटी किसी रेस्टोरेंट से भोजन नाश्ता करके या विवाह से किसी विवाह समारोह से अपने घर जा सकती है। उत्तर प्रदेश में कोई छेड़ेगा नहीं, यदि छेड़ेगा तो मरेगा। ये योगी सरकार, ऐसी योगी सरकार है। तो आज गुंडागर्दी से कहा जाए, इतने गुंडागर्दी राज्य के अंदर समाप्त है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी राज्य मुख्यालय पर चुनाव के बीजेपी थीम सॉन्ग प्रचार के लिए LED युक्त चुनावी वैन को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत भी की। तो बीजेपी का थीम सॉन्ग आखिरकार लॉन्च हो चुका है। युक्त चुनावी वैन को हरी झंडी दिखाकर योगी आदित्यनाथ ने रवाना किया है। आप बता दें कि सॉन्ग के जरिए बीजेपी के जो काम हैं, जो योजनाएं हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे वो शहरी वर्ग हो या ग्रामीण वर्ग, हर किसी को इस गाने में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। मथुरा गोवर्धन विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन किया, जहां उन्होंने कहा कि किसानों को बिजली फ्री देंगे। ऐसे चुनावी मुद्दे उनके लगातार बने हुए हैं। नेताओं और मंत्रियों की बिजली फ्री है, पर किसानों की बिजली फ्री क्यों नहीं? बुजुर्ग महिलाओं के लिए 2500 रुपये पेंशन की योजना आम आदमी पार्टी देने जा रही है। ये मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर वो लगातार चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं।
मुद्दे बड़े बेसिक मुद्दे हैं, सब आप लोग बार बार सुनते होंगे। आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो जनहित के मुद्दे हैं। हर आदमी जो चाहता है वही हम चाहते हैं। नेताओं की बिजली फ्री है, मंत्रियों की बिजली फ्री है, अधिकारियों की बिजली फ्री है, संतरियों की बिजली फ्री है, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सब कुछ। अगर आम जनता की बिजली फ्री हो जाए तो लोगों को तकलीफ होती है। हमने दिल्ली में लोगों को 200 यूनिट बिजली प्रत्येक माह मुफ्त दी, यानी प्रत्येक दिल्लीवासी को प्रत्येक महीने हमारी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार के जरिए 2000 रुपये महीने का फायदा होता है। वही योजनाएं हम यूपी में लेके आएंगे। यूपी के लिए हमने 300 यूनिट बिजली प्रत्येक महीने फ्री देने का वायदा किया है, जो यहाँ पे तकरीबन 2800-3000 रुपये की होती है। यानी हमारी लोकप्रिय सरकार बनने के बाद में यहाँ के प्रत्येक परिवार को कम से कम 3000 रुपये बिजली के बिल के बचने लगेंगे। उसके बाद में जो हमारे वृद्ध हैं, 60 साल के ऊपर के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए 2500 रुपया महीना हम लोग पेंशन देंगे। जो यहाँ पे 500 रुपया मिलती है वो भी बमुश्किल में से 10-20 में से एक दो आदमियों को मिलती है, तो वहाँ पे लोगों को फ़ायदा होगा। जो महिलाएं हैं उनके आत्मस्वाभिमान और स्वावलंबन के लिए हम लोग 1000 रुपया महीना हर महीने धनराशि देंगे। मथुरा विधानसभा से 5 निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने तमाम मुद्दे जो हैं वो जनता के सामने रखे, जिसमें एक मुद्दा था बंदरों से जुड़ा हुआ। उनका कहना है कि वो मथुरा वृंदावन को बंदरों से मुक्त कराएंगे। बंदरों का आतंक लगातार मथुरा वृंदावन में बना हुआ है, तो ऐसे में इस आतंक से वो आम जनता को छुटकारा दिलाएंगे, साथ ही साथ यमुना मैया का शुद्धिकरण भी कराएंगे। महान हिंदू श्री बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से माननीय हिंदू महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में युवा हृदय सम्राट श्री आदित्य ठाकरे जी के सानिध्य में और उनका जो हिंदू के नाम से परिभाषित किए गए हैं उनका अनुसरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की नगरी में श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से मथुरा वृंदावन क्षेत्र की जनता के लिए सेवा करने के लिए, विधानसभा से सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे, मुद्दे बताइए। सबसे पहले मुद्दा है मथुरा की जनता को बंदरों से कैसे निजात दिलाया जाए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।